फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश शेट्टी क्लास। हम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, जो कि चैप्टर 8 था, और आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम में आने की कुछ संभावना है, तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है SCO स्टैंड फॉर, ठीक है। SCO का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा, SCO का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो अपने सर्चिंग वेबसाइट को सर्चिंग करने में ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस करने के ये पार्ट होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी मदद से अपने वेबसाइट को मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है HTML में मेटा टैग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML, ठीक है। HTML डेटा टैग से रिलेटेड इसमें कौन सा सही है, टैग हमें बताना है कि कौन सा टैग सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेटा टैग का ऐसे हम नहीं लिखते, ये हम कैसे लिख देते हैं, तो इसमें हमें मेटा नेम लिखना होता है। दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर जो है वो बी नंबर है, ठीक है। मेटा नेम कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये एम्प्टी टैग होता है, यानी कि हमें ये इसी में क्लोज करने होते हैं। ओके, इसका क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंस है। मेटा टैग को हम लिखने का ये सिंटेक्स देख रहे थे, तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें नंबरिंग में मिसप्रिंटिंग हुआ है, आप नंबरिंग को ना देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जैसे कि 1.1 यहाँ भी है, फिर 1.1 यहाँ भी है, फिर 1.1 यहाँ भी है, तो खैर एनीवे हमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन एंड इसके ऑप्शन से मतलब है। ओके, तो हम क्वेश्चन देखेंगे एंड इसके ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन वन लाइन, ठीक है। जैसे हम कोई सर्चिंग करते हैं, तो जो वन लाइन में रिजल्ट हमें शो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम हमें यहाँ पे बताना है। टैग लिस्ट कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, सर्च इंजन पेज होता है, या फिर कैटेगरी लिस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि जो भी हम सर्चिंग करते हैं उसका एक रिजल्ट हमें शो करता है एक पेज पे, तो वो वन वन लाइन में देता है, और हम फर्दर जिस लिंक पे क्लिक करेंगे फिर हमारा नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग जो भी वेब पेज होगा वो ओपन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये सही आंसर होगा सर्च इंजन रिजल्ट पे। जब भी आप गूगल पे कोई भी डेटा सर्च करते हो फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे एक लिस्ट आपको दिखाई देता है, उसमें ऑडियो वीडियो कुछ ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत सारे इमेज आ जाते हैं, ठीक है, सब कुछ आ जाते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड सर्चिंग होता है, जो भी गूगल ने सर्च करके लाए होते हैं, सभी एक पेज पर डिस्प्ले करा देता है, ठीक है, तो उसे हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो ट्विटर तो सोशल मीडिया, फेसबुक भी सोशल मीडिया है, माई स्पेस है, तो ये कोई सोशल मीडिया भी नहीं है, और गूगल सर्च भी नहीं है, तो यहाँ पे सर्च इंजन में आता है हमारा गूगल। तो गूगल जो है, google.com, वो एक सर्च इंजन है, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है, यानी कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, उसे कंसीडर किया गया था, उसे आपको बताना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है ए नंबर ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट सर्च इंजन था, ठीक है, प्रथम वेब ब्राउजर इसे हम कहेंगे, ब्राउजर था, सर्च इंजन नहीं, वेब ब्राउजर, ठीक है। नेक्सस, तो ये हमारा नेक्सस जो है ये फर्स्ट ब्राउजर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है, सर्च इंजन 10 प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है, यानी कि सर्च इंजन क्या क्या ढूंढ सकता है उसके बारे में हमें बताना है। सर्च इंजन आर एबल टू सर्च, सर्च इंजन क्या क्या सर्च कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकता है, ऑडियो वीडियो, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव, हम सर्च इंजन में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हो किसी भी टाइप का, हम सबको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, वेब पेज को भी ढूंढ सकते हैं, वेबसाइट को भी ढूंढ सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, किसी भी टाइप का फाइल है, हम सबको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अरेंज द सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ये जो यहाँ पे सर्च इंजन डेवलप हुआ था, उस तरीके से हमें यहाँ पे अरेंज करना है,
ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन सा सर्च इंजन लॉन्च हुआ था, यानी कि डेवलप हुआ था। तो इसका जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले याहू का बारी आता है, फिर यहाँ पे गूगल आता है, फिर आता है 3 नंबर आस्क, ठीक है, फिर आता है बिंग, यानी कि 2, 4, 3, 1। अब इसमें हम देखते हैं इसका क्या है, तो 2, 4, 3, 1 यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, याहू, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, इस तरीके से ये डेवलप हुए थे। तो इसको हमने अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में एंड मेंटेन कर दिया, तो ये हमारा अरेंज हो चुका है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेब क्रॉलर के बारे में पूछ रहे हैं कि वेब क्रॉलर को हम क्या कह सकते हैं। तो वेब क्रॉलर जो होता है वो हमारे डेटा को स्पाइडर, ठीक है, जो एक कीड़ा के नाम यहाँ पे दिया जाता है, स्पाइडर होता है, जो क्या करता है कि हमारे डेटा को स्पाइडर करने का काम करता है, वो हमारे डेटा पे सर्चिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो वेब क्रॉलर जो होता है वो हमारे वेबसाइट पे स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, तो उसका एक दूसरा नाम भी है वेब स्पाइडर। ठीक है, वेब क्रॉलर को ही हम यहाँ पे वेब स्पाइडर के नाम से जानते हैं। ये हमारे वेबसाइट को गूगल पे अपडेट करने के लिए, उसके इंडेक्स में डालने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो हमारे वेबसाइट को इंडेक्सिंग करने में इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है याहू, इन्फोसिक एंड लेस्को, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सभी क्या है। तो हम जानते हैं कि याहू एक सर्च इंजन है, तो बाकी सब भी सर्च इंजन ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है सर्च इंजन, तो सर्च इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये ब्राउजर नहीं है, याहू भी तो ब्राउजर नहीं है, याहू पे तो हम सर्चिंग करते हैं, तो बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है सभी यहाँ पे सर्च इंजन भी होंगे। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी एक सर्च इंजन का ही टाइप्स है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस का, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। सर्वर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बी नंबर एंड सेकंड सी नंबर है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो होगा ये हमें सर्विस देता है, सर्वर नहीं देता, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा सिम कार्ड होता है वो सर्वर नहीं देता, सर्विस देता है, हमें कॉलिंग करने की सुविधा देता है, इंटरनेट यूज करने की सर्विस देता है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम ही शॉर्ट में यहाँ पे ISP कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड थे, मे बी आ सकते हैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उन सभी को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का, फर्स्ट वन 2.1, तो इसमें क्या है, तो इसे हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिख रहा है सर्च इंजन मेंटेन हैवी डेटाबेस ऑफ कीवर्ड एंड यूआरएल्स। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्च इंजन जो है हमारा वो यूआरएल को भी मेंटेन करता है, यूआरएल के और डेटाबेस को भी मेंटेन करता है, कीवर्ड को भी मेंटेन करता है, तो यस ये सभी कुछ मेंटेन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट आंसर कर देता हूँ कि ये सही है। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, एंड या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ये हमारा ट्रू हो चुका है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP, HTTP इज सैटेलाइट्स प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या HTTP हमारा सैटेलाइट प्रोटोकॉल है, यानी कि वो वायरलेस वर्क करता है, तो हाँ ये भी वायरलेस वर्क करता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना, तो इसे हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अ वेब ब्राउजर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ वेब क्लाइंट। ठीक है, यानी कि वेब ब्राउजर जो है हमारा वेब क्लाइंट पे वर्क करता है या वेब क्लाइंट के रूप में वर्क करता है, तो हाँ क्योंकि ब्राउजर जो है वो क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये सर्वर क्लाइंट साइड ये रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको भी ट्रू कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2.4, URL इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लोडर। ठीक
ठीक है, यहाँ पे लोडर लिखा हुआ है, बट इसका शॉर्टकट की क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो ये यहाँ पे फॉल्स होता है। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा फॉल्स होता है, तो हमने यहाँ पे इसको एफ लिख दिया, एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स बताने होते हैं, तो आपको ट्रू फॉल्स में हमने इस तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है, ब्राउजर यूजेस कंपाइलर फॉर वेब पेज डिस्प्ले। वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए क्या ब्राउजर कंपाइलर का यूज करता है? तो नहीं, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड ठीक है, यहाँ पे हमारा 2.5 क्वेश्चन था, अब हम यहाँ पे पूरा डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लिख के आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा जो 2.5 क्वेश्चन है ये फॉल्स हो चुका है, क्योंकि हमारा ब्राउजर इंटरप्रेटर का यूज करता है, दैट मीन्स कि ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, ये कंपाइलर पे बेस नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटा सर्च इंजन आर सर्च इंजन टूल दैट पेज, ठीक है, क्वेरीज टू मैक्सिमम ऑफ 6 सर्च। ठीक है, यानी कि हमने एक बार कोई सर्च किया है तो वो 6 सर्च इंजन से क्या करेगा, तो सर्चिंग करेगा, यानी कि वेरियस सर्च इंजन से डेटा को सर्च करके हमें डिस्प्ले कराने का वर्क करेगा। तो हाँ, यहाँ पे ये सही हो रहा है एंड हमने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये मेटा सर्च इंजन का वर्क होता है कि मल्टीपल सर्च इंजन से वो सर्चिंग करके हमें डिस्प्ले कराएगा, जिसका हमने थ्योरी क्लास में भी समझा था, तो और उसमें हमने ये बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि डॉकफाइल एक सर्च इंजन है जो कि मल्टीपल सर्च इंजन से सर्चिंग करने का वर्क करता है। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 2.7 है, तो 2.7 यहाँ पे क्या कह रहा है, पोर्टल इज अनदर वर्ड फॉर सर्च इंजन। ठीक है, यानी कि पोर्टल एंड सर्च इंजन कह रहा है कि दोनों क्या सेम है, क्या सर्च इंजन का ही दूसरा नाम पोर्टल है? तो नहीं, यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो सर्चिंग करने का काम करता है, पोर्टल जो होता है वो हमारा प्राइवेट वेबसाइट होता है जहाँ पे हम लॉगिंग करके डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्चिंग एंड ये क्या है, तो दोनों एक नहीं है, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, है ना, मैंने गलत लिख दिया। तो पोर्टल इज अनदर वर्ड ऑफ सर्च इंजन, नहीं, यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, 2.7 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, एंड 2.8 यहाँ पे लिख रहा है कि अ प्रॉक्सी सर्वर साइट बिटवीन अ क्लाइंट प्रोग्राम, ये तो यहीं पे गलत हो रहा है ना, कि आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अ प्रॉक्सी सर्वर साइट बिटवीन अ क्लाइंट प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल सर्वर। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्लाइंट सर्वर एंड क्लाइंट साइट एंड सर्वर के बीच में शेयरिंग करने का काम करता है, फिल्टरिंग करने का काम करता है, रिक्वेस्ट इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन एंड शेयर कंटेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर जो है ये क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक लिंक बनाता है, डेटा शेयरिंग करने का, रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ये सही हो रहा है, क्योंकि कोई सा भी सर्वर है तो वो क्लाइंट एंड वेब सर्वर के बीच में क्या करता है, तो डेटा कम्युनिकेट करता है, डेटा शेयरिंग करता है, ट्रांजेक्शन करता है, तो ये यहाँ पे सही हो रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर है तो ये भी क्लाइंट को, क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको ये प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट 2.9 क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं इसको। अ वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर सच एज अपाचे, ओएस एक्स सर्वर और विंडोज सर्वर। तो यहाँ पे सर्वर की सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि कौन, ये यहाँ पे जितने भी सर्वर सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं, अपाचे, ओएस एक्स सर्वर और विंडोज सर्वर, क्या ये होस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, क्या ये वेब होस्टिंग पे यूज होते हैं? तो हाँ, ये हमारा सर्वर साइट प्रोग्राम है, इसे हम ट्रू कहेंगे। ओके, तो ये हमारा 2.9 जो है वो ट्रू हो चुका है। ओके, एंड लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है compassivit@.com इज अ वैलिड वेबसाइट एड्रेस, तो इस तरह का वेबसाइट नहीं होता, एट द रेट सिंबल नहीं आता वेबसाइट में। ठीक है, हाँ, एट द रेट नहीं रहता, डॉट कॉम होता, तो ये URL का फॉर्मेट हो सकता है, बट URL में एट द रेट सिंबल नहीं आता, ईमेल रहता तो ईमेल में @gmail.com होता है। ठीक है, उसमें भी डोमेन होता है, तो ये कुछ वैलिड नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये वैलिड एड्रेस नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो ट्रू कहेंगे, ट्रू नहीं कहेंगे, फॉल्स कहेंगे, ये हमारा फॉल्स हो चुका है। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, आपने हमने ट्रू एंड फॉल्स सभी को देख लिया यहाँ पे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैचिंग, अब वो मैचिंग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि कॉलम ए कॉलम बी से हमें मैच करना है। तो यहाँ पे
देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे, एंड देखते हैं एक एक करके हम समझते हैं। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसे देखते हैं। द वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड वेब पब्लिशिंग टूल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर लग रहा है, ये हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर सी हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा सी हो चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है। टू नंबर, अ टेक्स्ट वेब ब्राउजर इज, टेक्स्ट वेब ब्राउजर क्या है। तो यहाँ पे लिनक्स जो है LYNX लाइन लिनक्स, ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थ्री, द सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड रीडर HTML डॉक्यूमेंट इज, रीड एंड रीडर HTML यानी कि HTML को कौन रीड करता है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हुआ कि तो HTML को जो रीड करते हैं यानी कि HTML में हमने कोडिंग कर दिया और रन कहाँ कराते हैं, तो उसी को रीडर बोलेंगे ना जो रन कराता हो, तो इसका रनर को हम ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ई। ओके, तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, ये ई आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर पेज इज सर्च इंजन, ठीक है। जो सर्च इंजन यानी कि जो हमने वेब पेज पे स्टोर किया हुआ अपना पेज वेब सर्वर पे, तो उसको क्रॉलिंग करने का काम करता कौन है। तो क्रॉलिंग करने के लिए तो हमारे पास स्पाइडर है, जैसे कि अभी अभी हमने वहां पे समझा था कि वेब क्रॉलर को ही वेब स्पाइडर कहते हैं, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्रॉलिंग के लिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन का यूज करेंगे, स्पाइडर का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू वेब ब्राउजर टू टॉक टू सर्वर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि सर्वर से कौन टॉक करता है एंड डेटा को एक्सचेंज करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है जिसके मदद से हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा जी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। एंड 3.6 को देखते हैं। 3.6 यहाँ पे कह रहा है, अ सर्वर प्रोवाइडर दैट मैनेज द सर्वर यूज टू होस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर प्रोवाइडर जो एक संगठन वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अब होस्टिंग की बात आ रही है, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो होस्टिंग के लिए हम यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर को देखेंगे, है ना। होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वही तो हमें होस्टिंग करने की परमिशन देगा और हम उसके सर्विस को यूज कर सकते हैं एंड अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो एच हो जाएगा, ठीक है, ये एच नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के लिए वेबसाइट डैश पर होस्ट किया जाता है, ठीक है। अ वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन, तो इसके लिए क्या क्या आंसर हो सकता है, देखते हैं। बोथ वेब ब्राउजर, ठीक है, यानी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कंपनी के लिए वेबसाइट पर डैश पर होस्टिंग करता है, यानी कि कोई कंपनी कहाँ होस्टिंग करता है, तो वो वेब सर्वर पे होस्टिंग करता है, ठीक है। यानी कि हमें वेब सर्वर पे ही तो अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा ए, ठीक है। एंड ओहो, हमने हमारा ए आंसर जो होगा वो ये होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, एक कंपनी का वेबसाइट कंटेंट एंड यूजर द्वारा डैश का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सेस करने की बात की जा रही है, तो हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस जब भी हम करते हैं तो वे वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर जे हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जे। एंड नेक्स्ट थर्ड 3.9 क्या है इसे देखते हैं। अ प्रोवाइडर इनेबलिंग होम और बिजनेस यूजर्स एक्सेस एंड वेब होस्टिंग सर्विस फॉर द इंटरनेट रेफर टू एस, यानी कि एक प्रोवाइडर इंटरनेट प्रोवाइडर है घर के लिए एंड बिजनेस के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, तो इसका राइट आंसर है क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। यानी कि जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करें, हमें अपने पर्सनल यूज के लिए हो या फिर होम के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो, तो हम बिजनेस क्या करते हैं, एक
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम अपने घर पे ब्रॉडबैंड लगवा लेते हैं, वाईफाई लगवाते हैं, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम किसका यूज कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम उससे संपर्क कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम मिल सकते हैं और वो हमें सर्विस दे सकता है इंटरनेट का, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे कह रहा है अ वेब क्रॉलर के पास वेब रोबोट है कहा जाता है, यानी कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वे अ वेब क्रॉलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड, यानी कि वेब ब्राउजर के पास एक वेब रोबोट है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब बोट, ठीक है। यानी कि जो वेब क्रॉलर के पास जो वेब रोबोट है उसे हम कहते हैं वेब बोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैचिंग क्वेश्चन को भी देख लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने मैचिंग भी कर लिया और सब में हमने मार्किंग भी कर दिया। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके आप इन सभी को लिख भी सकते हैं। ये हमारा सी नंबर आंसर है फर्स्ट का। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सभी देख लिए। एंड फोर्थ नंबर पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। डैश फीचर ऑफ ब्राउजर यूज टू रिविजिट, ठीक है, रिविजिट वेबसाइट विजिटेड ड्यूरिंग गिवन सेशन। यहाँ पे दिए गए सेशन के दौरान रखी गई वेबसाइट को फिर से देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्राउजर की सुविधा क्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि एक सेशन में हमें दोबारा देखना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं और हम कैसे देखेंगे कि कितने बार इसको देखा गया है, तो वो कहलाता है हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री फीचर है, तो हम देख सकते हैं कि किस वेबसाइट को कौन यूज किया है, कितने टाइम के लिए यूज किया गया है, यानी कि पूरे सेशन हम देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कौन सा वेबसाइट ओपन हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं। डैश प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट, डैश प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू वेबसाइट टू एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सेव देम अ लोकल ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए और हमारे जो लोकल ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसमें से सेव हो जाए, तो उस प्रोग्रामिंग को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सर्वर, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, ठीक है, तो इसके नाम में डाउनलोडिंग के लिए आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बाकी कोई डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जे हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर जे हो चुका है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो वर्ड फिट बैठता है, सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हो, तो वो आपका राइट आंसर हो गया। ये टिप्स है कि अगर किसी का आंसर नहीं पता है तो आप यही कुछ 8-10 वर्ड्स होंगे, इन सभी को बारी बारी से रख के देख लीजिए, जो सुटेबल बैठ रहा है वही उसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी तुक्का लग जाता है। एंड नेक्स्ट 4.3 क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। इंटरनेट का सूचना सर्विस के साथ बाहरी प्रोग्राम को इंटरफेस करने के लिए एक मानक है, ठीक है, और इसे हम एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी से ज्यादा बेटर होता है इंग्लिश समझने में, खासकर इस टेक्निकल में। डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम विद द इंफॉर्मेशन सर्वर ऑन द इंटरनेट, ठीक है जी। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनेट पे अगर हमें इंटरफेस करना है तो किसका यूज करेंगे, ठीक है जी। 4.3 इसको हम देखते हैं, तो बाहरी दुनिया से हमें कनेक्ट करना है, तो बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए कॉमन गेटवे इंटरफेस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता है, यानी कि यही एक ऐसा गेट है जिसके मदद से हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट की दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं, बाहरी दुनिया जो हमारा है उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 4.3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर से ये कनेक्ट करने का, इंटरफेस प्रोवाइड करने का वर्क करता है, इसके नाम में भी है गेटवे, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4, डैश इज अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय अ वेब सर्वर टू अ वेब ब्राउजर, यानी कि हमारे वेब ब्राउजर से कुछ इंफॉर्मेशन का टुकड़ा वेब सर्वर तक भेजता है, यानी कि हमारे डेटा चोरी करके भेजने वाले को क्या कहते हैं, तो कुकीज कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे कहाँ आंसर है, तो यहाँ पे है वेब कुकीज, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, तो एक्स का आंसर हो जाएगा जी।
ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 4.4 का जी, वेब कुकी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4.5। 4.5 कह रहा है डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ वेबसाइट, ठीक है वेबसाइट पे रन हो रहा है, एंड इट इज टास्क रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउजर एंड गिव पॉपुलर रिस्पॉन्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वेबसाइट पे रन करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है एंड गिव द प्रॉपर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स भी देता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखते हैं आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो जो रिक्वेस्ट को रिसीव करे एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स दे तो उसको तुम सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेब ब्राउजर राइट आंसर, यहाँ पे मिल रहा है हमें वेब सर्वर, तो ये इसका राइट आंसर होगा एच। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो चुका, एंड ये हमारा राइट आंसर एच जो है वो 4.5 का होगा। ठीक है, एंड 4.6 क्वेश्चन देख रहे थे, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स और टू अलाउ अ यूजर एक्सेस वेब पेज। ठीक है, डैश एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो यूजर को वेब पेज को प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो 4.6 इसका हम देखते हैं कि कौन है जो वर्ल्ड वाइड वेब, जाहिर सी बात है यही तो हमें अनुमति देता है, कोई भी हमें सर्चिंग करना तो www करके ही वेब पेज सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर कर लेते हैं बी। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ बी, ये हाईलाइटर है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 4.7 क्वेश्चन इसको हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है डैश इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, आप प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, प्रोटोकॉल का यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर वेब पेज टू अनदर। ठीक है, यानी कि हम वेब पेज को ट्रांसफर करें या अनदर को ट्रांसफर करें, प्रोटोकॉल कौन सा है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स देखते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेज को ट्रांसफर करने का काम करता है, HTTP। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट HTTP। ठीक है, F नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4.7 का, ट्रांसफर करने के लिए ये हमारा राइट आंसर हो गया F। एंड 4.8 को देखते हैं, डैश इज अ ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट होता है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसमें। ग्लोबल सिस्टम जो है इंटरनेट, बहुत अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एंड 4.9 कह रहा है, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग प्रेजेंटिंग एंड ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के नाम बताना है जो कि रिट्रीविंग करने का काम करता है, डेटा रिट्रीव करता है, प्रेजेंटिंग करता है एंड ट्रांसमिटिंग का भी काम करता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे URL हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि URL के थ्रू ही हम कोई डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्राउजर के हो, और भी जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए ये सही होंगे। तो इसके साथ राइट आंसर जो होगा वो होगा के, यानी कि URL। URL के थ्रू ही हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के पास, ठीक है, उससे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं, सारे फायदा उठा सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो किसी भी वेबसाइट को सर्चिंग करना है तो हम इसके मदद से सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है MCQ का, फिल इन द ब्लैंक्स का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन अ वैलिड, ठीक है, डैश अ ब्राउजर कैन गो डायरेक्टली टू द पेज विदाउट पासिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट को पास किए, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है कि गिवेन अ वैलिड अ ब्राउजर कैन गो डायरेक्टली द पेज विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हम अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जाने के लिए तो हम URL का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले ही URL को दे दिया है, इसलिए यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा।
देखिए आप भी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी चेक कर लें, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये हम के को डिलीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डायरेक्टली वेब पेज को एक्सेस करना है, तो हम यूआरएल का यूज करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे के आएगा। एंड अब फिर से हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, और हमने यूआरएल को दे दिया था, तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमारा ब्राउजर होता है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग प्रोसेसिंग प्रेजेंटिंग अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग प्रोसेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा को, एप्लीकेशन वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, रिट्रीव करता है, ठीक है जी। तो हमें सॉफ्टवेयर ऐसा ढूंढना है, तो यहाँ पे सर्वर, एसएमटीपी क्लाइंट, यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन है वही है यहाँ पे ब्राउजर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है वो है ब्राउजर। और हम जानते हैं कि ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे हर वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड के किसी भी वेबसाइट को। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ई, 4.9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ई। ओके, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने एक मिस्टेक किया था, तो देखिए आपको भी बहुत ही केयरफुली सॉल्यूशन करना होगा, बिकॉज कि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके दो गलत हो जाएंगे। अगर एक का सही आंसर किसी दूसरे में लगा देंगे तो वो तो गलत होगा ही होगा, लेकिन जिसका आपने जिसका वो सही आंसर था वो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे गलत मार्किंग कर देता तो ये हमारा दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते, ठीक है, इसलिए केयरफुली आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर लिया, आप इसे ध्यान रखिएगा कि कैसे हम यूज किए। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे आता है वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग क्या है एंड उसके टाइप्स के बारे में बताना है। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट किए हुए हैं अपने ट्रिपली वाले वीडियो लेक्चर में, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस पहले उसे विजिट कर लें, तो आपको ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेब पब्लिशिंग से आपका क्या अभिप्राय है, कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है, इसके वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है उनको आपको डिस्क्राइब करने हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेटा सर्च इंजन के बारे में, तो मेटा सर्च इंजन को भी हमने एक्सप्लेन किया था, और हमने वो हम डिफरेंस भी दिखाया था कि सर्च इंजन एंड मेटा सर्च इंजन दोनों डिफरेंस कैसे हैं, और क्यों इन दोनों की क्या फंक्शनैलिटी है, और ये किस बेस पे हम इसे डिफरेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्च इंजन को हमने डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप हमारे वेबसाइट वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के जो वर्किंग फंक्शनैलिटी है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर्च इंजन क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है सर्च इंजन से रिलेटेड, एंड यहाँ भी क्वेश्चन वही आ रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, आप दोनों में लिख सकते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, इसमें इसकी पूरी वर्किंग फंक्शनैलिटी बतानी है, बट यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना है कि ये मेटा सर्च इंजन से कैसे डिफरेंस है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है और लिखना है अच्छे तरीके से, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा, बहुत बेहतर नंबर आएगा, ज्यादा बड़ी कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर वेब पब्लिशिंग टूल्स, वेब पब्लिशिंग टूल कौन कौन से हैं और इनकी क्या यूज है, एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कंटेंट, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। तो हमने इन सभी को बताया कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पे और में क्वेश्चन लिखा हुआ है, या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, आपको दोनों में कोई सा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, और यहाँ पे वेब पब्लिशिंग टूल के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर है, आप देख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर वेब पब्लिशिंग के लिए स्टेप्स लिखे, ठीक है, यानी कि हमें वेब पब्लिशिंग करना है तो कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है। एंड HTML के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि HTML क्यों इम्पोर्टेंस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.C, तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वेब पेज डिजाइन, ठीक है, वेब पेज डिजाइनिंग के ऊपर आपको वेब पेज डिजाइन कंसेंट्रेशन एंड प्रिंसिपल, जिसमें हमने प्लानिंग वगैरह भी देखा था, तो इन सभी को आपको शॉर्ट नोट्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे आपको लिखने होंगे। और इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लेक्चर वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.8 में, दो ही क्वेश्चन है ए एंड बी, तो ए कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पब्लिशिंग टूल आर अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में आपको बताना है, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स क्या है और ये कैसे इंटरचेंज करते हैं, इसमें कौन कौन से URL यूज होते हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताने होंगे। एंड लास्ट 9th नंबर क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए, 5-4 टॉपिक्स हैं, ABCC यहाँ पे लिखा है, ABCD होंगे, है मिस प्रिंटिंग बहुत सारा हो रखा है नंबरिंग में, तो नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, कंटेंट हमें समझना है, ठीक है। तो CGI के बारे में आपको बताना है, कॉमन गेटवे इंटरफेस के बारे में, ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड वेब एंड बेसिक फीचर्स ऑफ वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की क्या फीचर्स है, इसकी कुछ हिस्ट्री भी लिख दीजिएगा, इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड HTTP के बारे में बताना है, HTML के बारे में बताना है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी है एक, तो इन टॉपिक्स में से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी को नहीं, आप चारों को कर सकते हैं, जब चारों पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए, और हमने यहाँ पे सबको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व भी कर दिया है, एंड सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं उसके हेल्प लेकर, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है, एंड ये हमारा मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।